हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 1 फरवरी 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन स्टॉक में हमें 1.16% का यहाँ पे नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 1228.40 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो यहाँ पे डाउन साइड रहने वाला है या फिर कोई अपसाइड मूवमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारे को ओपिनियन देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में, वहाँ पे देखते हैं आने वाले दिनों में स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है। अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, वॉल्यूम यहाँ पे एवरेज सा हमें वॉल्यूम जो है देखने मिल रहा है और यहाँ पे कैंडल जो बनी है वो आप देख सकते हैं, एक स्मॉल साइज की कैंडल भी है और अपसाइड में हमें विक जो है देखने मिल रही है। करंटली 20 MA और 50 MA के बीच में यहाँ पे स्टॉक जो है वो यहाँ पे क्लोज हुआ है। बात करोगे मैं RSI की, RSI 48-49, मतलब RSI हमें एकदम ही न्यूट्रल जो है वो यहाँ पे बता रहा है, मतलब दोनों साइड का यहाँ पे एक तरह से जो इशारा दे रहा है। इसकी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसे भी हमें जरूर कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, करंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक जो है अभी भी यहाँ पे जो है वो नेगेटिव है, मतलब स्टॉक जो है हमें जो है अभी भी डाउन साइड जाते हुए देखने मिलने वाला, क्योंकि 20 MA अभी भी जो है 50 MA के जो नीचे चल रहा है। ये जो येलो लाइन है वो 20 MA की और ये 50 MA की जो है ये ब्लू लाइन है। तो यहाँ पे करेंटली स्टॉक अभी भी जो है वो ट्रेंड जो है उसका डाउन साइड का ही है। थोड़े दिनों के लिए ज़रूर यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट थोड़ी सी आ सकती है, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे अगर आपको वो मूवमेंट को कैप्चर करते हुए जो है यहाँ पे प्रॉफिट करना तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे रेकमेंड करूँगा फिलहाल यहाँ पे अच्छा मौका तो नहीं है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी ट्राई ना करें। जब तक यहाँ पे हमें कोई परमानेंट जो है मूव देखने ना मिले तब तक यहाँ पे आप लॉन्ग के लिए जो है वो बिल्कुल ना जाए। करंटली यहाँ पे स्टॉक जो हमें ईजिली 1150 तक जाते हुए देखने मिलने वाला है और फिर उसके बाद इवन उससे थोड़ा और नीचे, मतलब 1100 तक भी जाते हुए देखने मिल सकता है। बाकी यहाँ पे आपको क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें ज़रूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस जो है वो पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें। और याद रखें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले अभी के अभी, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आपको जो है हम एवरी डे जो 4 वीडियोज़ और 4 स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं वो आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाए, और यहाँ पे किस तरह से हम जो पूरा का पूरा चार्ट के बेसिस पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं वो भी आपको समझ में आए कि हम क्या यहाँ पे देखते हुए जो है ट्रेड यहाँ पे आपको एक जो है एक मोमेंट का जो इशारा यहाँ पे आपको दे रहे हैं। बाकी चलिए जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में, वहाँ पे देखते हैं इस स्टॉक में हमें कल के दिन जो है क्या देखने मिलने वाला है। करंटली आने वाले दिनों के लिए आपका क्या ओपिनियन हमें जरूर कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन सारे के सारे जो है वो मार्क्ड है और यहाँ पे हमें कोई भी जो है नया डेटा जो है एक तरह से मैं कहूँ तो यहाँ पे देखने नहीं मिल रहा है। कुछ चेंजेस जो है वो हमें थोड़े से यहाँ पे देखने मिल रहा है, उसको मैं ज़रूर जो है करके यहाँ पे देता हूँ आप सभी को। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो जिस तरह से मैं चेंजेस जो है वो कर रहा हूँ आप जो है अपने चार्ट में जो है वो चेंजेस कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे ज़्यादा जो है वो चेंजेस नहीं थी। बात करते हैं सीधा यहाँ पे इसके क्लोजिंग, यहाँ पे एक एडिशनल मुझे देखने मिल रहा है वो मैं यहाँ पे आपको करके बता देता। याद रखिए ये जितना भी जो है मार्किंग जो मैं कर रहा हूँ वो मार्किंग जो है वो सारी की सारी आपको हेल्प करेगी अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो है मेंटेन करने में। तो इसकी वजह से मैं कहूँगा जरूर जो है आप यहाँ पे उसको आप देखते हुए जो ट्रेड ले। तो यहाँ पे क्लोजिंग जो है यहाँ पे हो गई है हमारी 1228 पे। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट जो आता है वो आता है 1221 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो 1231 का यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन जो है वो बनता है। तो याद रखें डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है कल के दिन ये स्टॉक जो आपको अगर इस रेंज के बीच में जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर
कंफर्मेशन कैंडल को देखते हो जो यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। तो कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है, अगर आपको नहीं पता तो जरूर हमारे कोई भी पुराने वीडियो का जो स्टॉक एनालिसिस देख ले, तो यहाँ पे आपको 10 मिनट के ऊपर जो देखने मिल जाएगा, ताकि एक बार जो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अब बात रही यहाँ पे मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट यहाँ पे आता है 1203 का, उसके बाद का था 1170 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस हमारा आता है 1248 का, उसके बाद का था 1267 का। तो यहाँ पे मैंने दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस जो है वो बता दिए हैं, जरूर जो है उसी को कंसिडर में रखते हुए जो यहाँ पे आप अपना कल के दिन जो है ट्रेड ले। अब यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं स्टॉक में यहाँ पे बहुत ही डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया है बहुत ही छोटा है, तो यहाँ पे हमें जो है कल के दिन प्री ओपन मार्केट में हमारा जो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में किस तरह से परफॉर्म करता है वो हम जरूर देखेंगे। 9 बजे से 9:15 के बीच में किस तरह से स्टॉक में ओपनिंग होती है, क्या गैप अप होती है या फिर गैप डाउन होती है वो हम देखते हैं, और फिर उसके बाद जो है हम हमारा एक जो है यहाँ पे डिसीजन बनाएंगे। करंटली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए, तो जरूर कल के लिए हमारा ओपिनियन जो है वो पॉजिटिव का है, मतलब स्टॉक जो हमें लगता है गैप अप भी ओपनिंग देने वाला है और यहाँ पे अच्छा मूवमेंट भी आपको जो है देखने मिल सकता है। हाई चांस है 1248 से लेकर 1267 तक स्टॉक जो आपको जाते हुए देखने मिले, और क्लोजिंग जो है थोड़ा सा यहाँ पे जो है आपको 1228 से लेके यहाँ पे 1231 से लेके 1248 के बीच में देखने मिले। बाकी यहाँ पे आपको क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। हमारा ओपिनियन जो है पॉजिटिव है, आपका क्या है हमें जरूर बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।